गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। और आज सावन का पहला सोमवार है, मतलब आप लोगों का जो नॉन बेंगोली होता है, मतलब जो बिहारी लोग हैं, उनका आज पहला सोमवार है, लेकिन हम लोगों का आज सेकंड सोमवार है। तो मैं आज सेकंड सोमवार ही कर रही हूँ, क्योंकि पहला वाला जो सोमवार गया है वो मेरा बंगाली में जो श्रावण होता है वो पहले घुसता है। तो मैं फर्स्ट सोमवार कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड सोमवार है। और ये है मेरा घर का छोटा सा प्यारा सा मंदिर। मेरा घर का मतलब सबसे अच्छा, एकदम ब्यूटीफुल, एकदम क्यूट सा प्लेस देख सकते हैं। मेरा छोटा सा मंदिर है, उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यारा है। अभी हम लोग जितना भी भगवान का पूजा करते हैं, मेरा पूजा नीचे होता है, क्योंकि इसमें अभी मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए भगवान मूर्ति नहीं रखे है अभी। लेकिन जो सोमवारी कर रही हूँ, और ये देख सकते हैं मेरा छोटा सा गोपाल, इसको भी यहाँ पूजा करूंगी आज, तो आप लोग देखिएगा। तो गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज मेरा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और आज सावन का पहला सोमवार है, तो सच्चे दिल से प्लीज सभी कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, क्योंकि महादेव से तो सब कोई ही प्यार करते हैं, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ महादेव से। और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा महादेव। मैं पहले मंदिर में पूजा करके आ चुकी हूँ, पहले एक काली मंदिर में गई थी, उसके बाद मैं गई थी मतलब भोलेनाथ का जो एक शिवलिंग है, वहां मैं दूध चढ़ाने गई थी, पूजा करने गई थी। उसके बाद बजरंगबली मंदिर में पूजा की, उसके बाद फिर एक काली मंदिर था और दुर्गा मंदिर में पूजा करके अभी ये मेरा घर वाला मंदिर है। सो आप लोग देखिए मैं किस तरह पूजा करती हूँ। वैसे तो हमको पूजा का सही तरीका नहीं पता, लेकिन दिल से करती हूँ उतना हमको पता है। और सच्चे दिल से जो लोग पूजा करते हैं भोले बाबा, उसका जरूर सुनते हैं। हर हर महादेव। दादा, तो गाइस, ये है मेरे भोले बाबा। मैं इनका अभी फूल से श्रृंगार करती हूँ, क्योंकि भोले बाबा को फूल बहुत ही प्यारा लगता है। और इसका जो मेन ओरिजिनल है वो है बेलपत्री, देख सकते हैं, वो भी मैं देती हूँ। और मेरे घर में एक अच्छी बात है कि मेरे घर में बेलपत्री की कमी नहीं है, क्योंकि मेरा घर में बेल गाछ है, बहुत ही बड़ा है, तो हमको कहीं जाने का दिक्कत नहीं होता। घर से ही मेरी मम्मी सब रेडी करके रख दी है। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है कि हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, ना फूल जोगाड़ करना पड़ता, ना कुछ भी। मेरी मम्मी सब कुछ रेडी करके रख दी है, खाली नहाओ और जाओ और पूजा करो। अभी भी ये पूरा शिवलिंग, ये जो मेरा गोपाल है, इसको भी धो के, सब शिवलिंग धो के रख दी है कि मैं अच्छे से जल्दी से पूजा कर सकूं, और मैं वही कर रही हूँ। और अभी मैं भोलानाथ जी को फूल चढ़ा रही हूँ, तो मैं अभी भोलानाथ को जल चढ़ा रही हूँ। और आप लोगों का जो भी मनोकामना है वो मेरे थ्रू से आप लोग मांग लीजिएगा, क्योंकि देखिए भोलानाथ जी को पानी चढ़ा रही हूँ, अपना भी मनोकामना मांग रही हूँ, और सब खुश रहे ये भी मांग रही हूँ। यही मैं भोलेनाथ से प्रे करती हूँ कि सबका मनोकामना पूरा हो। मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, सब हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश रहे, और हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, ताकि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि दुनिया में तो दुश्मन का कमी नहीं है। तो चलिए, मैं दुश्मन से भी दोस्ती करने के लिए राजी हूँ, क्योंकि देखिए इंसान कितना दिन जिएगा, इंसान का जीवन मृत्यु कोई तय नहीं कर सकता। आज मैं हूँ तो कल नहीं हूँ, ये भी है, क्योंकि इंसान कब जीता है, कब मरता है, उसको खुद ही पता नहीं, सब ऊपर वाला के हाथ में। इसलिए जब तक जिंदगी है, एक दूसरे से मिलजुल के जिए, तो बहुत ही मतलब जिंदगी अच्छा और बेहतरीन बन जाता है। तो यही मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे मिलजुल के रहूँ, किसी से दुश्मनी ना करूँ। बट दुश्मन का जब तक दुश्मन का तो कमी नहीं है, लेकिन मेरा दुश्मन अगर हमसे दोस्ती करना चाहता है, तो मैं हमेशा मतलब पहले खड़ी हूँ। तो हर हर महादेव। कमेंट में प्लीज आप लोग हर हर महादेव लिखिएगा। और मैं अभी भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पण करती प्रसाद। और ये गाइस, ये देख सकते हैं, ये मेरा है छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा गोपाल। तो कैसा लगा गोपाल को, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा। देखिए कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। इसको भी मैं आज मतलब मेरे मम्मी इसको नहलाई है दही से, दूध से, तो देखिए कितना ज्यादा क्यूट दिख रहा है ना।
तो इसको मैं अभी पानी और ये जो खाते हैं ये अभी मैं दूंगी, तो आप लोग देखिए ठीक है। अरे इसके छोटा सा प्यार से सिंहासन है, इसको हम लोग छोटा छोटा छोटे छोटे कपड़ा पहनाते हैं, बट अभी नहीं पहनाएंगे पार्ट पे, तो उसका भी ब्लॉग बनाएंगे कि गोपाल का ड्रेस कैसा होता है। तो मैं ये गोपाल का मेरे छोटा सा प्यारा सा ग्लास इसमें मैं दूंगी पानी दूंगी। ये है पानी, ये है तुलसी पत्र जो गोपाल का माथा पर रहना चाहिए। एक छोटा बेबी है ना, तो इसको बेबी जैसा ही मतलब रखना चाहिए। इसी में ये खुश रहता है। इसको मैं दूंगी अब गिलास रख दी, इसके ऊपर एक थाली चढ़ा दी, गोपाल को मैं दूंगी लड्डू इसका भोग, तब ये खा लेगा मेरा गोपाल। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मेरा गोपाल कैसा लगा और कितना ज्यादा क्यूट है, आप लोग देख ही सकते हैं छोटू सा प्यारा सा है, तो मेरे गोपाल के लिए भी कमेंट कर दीजिएगा जरूर। स्टॉप कर, गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा पूजा हो गया है कंप्लीट। भोलेनाथ जी को मैं पानी दूध चढ़ा दी, बेलपत्ती चढ़ा दी, लड्डू चढ़ा दी, मेरे गोपाल को मैं लड्डू और पानी खिला दिया गोपाल को मेरा। तो देख सकते हैं पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग मेरे से कितना सहमत है कि हर एक लड़का लड़की या फिर विवाहित स्त्री या फिर पुरुष को सावन का हर सोमवार करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ हम लोगों का भगवान है तो पूजा करना चाहिए, और सावन का सोमवार कर मतलब बहुत ज्यादा ही सुकून मिलता है। तो कोई कोई करती है अपना अच्छा बल पाने के लिए, कोई कोई अपना पढ़ाई के लिए, कोई कोई अपना जो ड्रीम है वो इसे पूरा करने के लिए करता है। तो आप लोग किस लिए करते हैं प्लीज, सावन का जो लास्ट सोमवार है तो आप लोग प्लीज बताइएगा, मैं वेट करूंगी आप सबको। तो मेरा जितना भी वीडियो है आप लोग हमको दिक्कत नहीं, आप लोग शेयर करें ना करें, मेरा वीडियो देखिए लाइक करिए, मेरा इतना ही इसी में मेरा खुशी है। लेकिन ये जो मेरा भोलेनाथ जी का ब्लॉग है प्लीज आप लोग दिल से मतलब थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, इसलिए नहीं शेयर कीजिएगा कि व्यूज पाने के लिए, दिल से कि भोलेनाथ का सावन का सोमवारी कौन कौन कर रहा है, ताकि ये वीडियो हर भक्त तक पहुंचे। और सब मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमको एक लाइक और एक कमेंट मेरा भोलेनाथ जी को लिए चाहिए। और ये मेरा जो छोटा सा प्यारा सा गोपाल है इसके लिए भी मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा गोपाल को हर कोई सब कोई देख सके कितना प्यारा सा क्यूट सा है। और मेरे जितना भी फैन फॉलोअर सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर्स है जितने भी है, तो उनका किन के घर में गोपाल है, कौन कौन लोग गोपाल जी को मानते हैं, मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई को मानते हैं और भोलेनाथ जी को मतलब बहुत 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 बहुत
मेरे तरफ से दिल से प्रणाम मैं करती हूँ। और सभी कमेंट में प्लीज लिखिएगा हर हर महादेव। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक खत्म करती हूँ। आज मेरा सेकेंड सोमवार है और दो सोमवार भी बाकी है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो मैं हर सोमवार का ब्लॉग करूंगी। अगर आप लोग कमेंट पे बोलिएगा कि आप प्रिया जी आप सावन का सोमवार का ब्लॉग डालिए, तो मैं हर सावन का सोमवार को ब्लॉग डालूंगी भोलेनाथ जी को दर्शन कराने के लिए आप लोगों को। तो गाइस हर हर महादेव, बाय।